नमस्कार। तुला राशि अक्टूबर 2021 राशि चक्र की सातवीं राशि वायु तत्व की राशि तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का ये प्रेडिक्शन है। जन्म कुंडली में चंद्र यदि सात नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि तुला है, और यदि आपके जन्म के सूर्य भी तुला राशि के अंदर है, यानी कि कोई भी साल के अंदर 15 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में आपका जन्म हुआ है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों तुला राशि के अंदर है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करेगा। आज का नक्षत्र, आज का जो एपिसोड है, ये प्रेडिक्शन है, ये राहु ट्रांजिट स्पेशल है। देखते रहिए प्रेडिक्शन एंड तक। बात करते हैं सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में आपका क्या रहेगा अक्टूबर के मंथ के अंदर, तो सर्वप्रथम बात करेंगे जो मेन एनर्जी के कारक ग्रह हैं सूर्य और मंगल के ट्रांजिट के बारे में। तो सूर्य और मंगल जो हैं वो कन्या राशि में चलने वाले हैं, चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। 17 तारीख तक, 17 अक्टूबर तक सूर्य राशि से 12वें स्थान के अंदर है, मंगल 21 तारीख तक आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर है। मेन एनर्जी का 12वें स्थान के अंदर होना शुभ फल देने वाला नहीं है, तो जिसके कारण आप थोड़ा सा हेल्थ वाइज अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, आँखों का भी थोड़ा सा, आँखों के अंदर भी तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा। तो एब्रॉड रिलेशन या एब्रॉड कनेक्शन से कुछ कार्य कर रहे हैं तो भी आपको कुछ लॉसेस आ सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ मैटर है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, लॉसेस आ सकते हैं कोर्ट कचहरी मामले के अंदर। तो सूर्य और मंगल का राशि से 12वें स्थान के अंदर, 17 तारीख तक सूर्य का ठीक नहीं है, मंगल 21 तारीख तक आपके लिए ठीक नहीं है। 17 तारीख को सूर्य आपकी राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और 21 तारीख को मंगल तुला राशि के अंदर आपकी राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, जिसके बाद वंस अगेन अंगारक योग बनेगा आपकी राशि के अंदर। तो ये जो अंगारक योग है पहले से थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि 12वां स्थान जो है ये खाड़ा का स्थान है, द प्लेस ऑफ लॉसेस, उसमें थोड़ा सा धन व्यय ज़्यादा हो सकता है, उसमें मेडिकल एक्सपेंसिस भी आ सकते हैं। तो 17 तारीख के बाद जो अंगारक योग होगा आपकी राशि के अंदर होगा, जो आपकी कॉन्फिडेंस में थोड़ी वृद्धि करने वाला जरूर होगा, लेकिन रिलेशनशिप के लिए ये ट्रांजिट ठीक नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी राशि के अंदर चलेंगे सूर्य और मंगल, जिसके इम्पैक्ट के अंदर खास करके अपने रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ आपको कुछ ज़्यादा केयर करना होगा। और 21 तारीख के बाद आपको अपने हेल्थ में, खास करके जो कोई भी जातक हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा, क्योंकि सूर्य की चौथी दृष्टि जो है वो आपके सुख स्थान के अंदर होगी, चौथे स्थान के अंदर होगी। हेल्थ को बात करके अब बात करते हैं कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैरियर के रिगार्डिंग ये मंथ कैसा रहेगा, तो बुध जो है वो पूरा मंथ 12वें स्थान में चलने वाले हैं कन्या राशि के अंदर, तो बिजनेस कैरियर के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा तनाव रहेगा। लेकिन जो कोई भी जातक एब्रॉड कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, आईटी का कुछ काम कर रहे हैं, बाहर से कुछ काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, इनके लिए समय शुभ होगा। थोड़ा थोड़ा बिजनेस कैरियर में वृद्धि मिल सकती है, एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से आपको लाभ रहेगा। तो बाकी के पॉइंट क्या रहते हैं, लव मैटर, तो लव मैटर के अंदर भी जो शुक्र ग्रह का ट्रांजिट है वो आपके लिए बहुत शुभ है। शुक्र 2 तारीख तक आपकी राशि के अंदर है और 2 तारीख से लेकर 30 तारीख तक शुक्र चलेंगे धन स्थान के अंदर, वाणिज्य स्थान के अंदर, कुटुंब स्थान के अंदर, केतु के साथ चलेंगे। तो वाणी में जितनी मिठास नरमास रखेंगे इतना ही आपको धन का लाभ रहेगा। 30 तारीख को शुक्र चलेंगे आपके पराक्रम स्थान के अंदर, तो ये ट्रांजिट भी अच्छा है भाग्य वृद्धि के लिए और कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि करने वाले शुक्र की ट्रांजिट है।
महत्व की एक ट्रांजिट हो रही है। राहु जो अभी आपके आठवें स्थान में चल रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में, 5 अक्टूबर को रात को 8:01 को इंडिया टाइम पर राहु रोहिणी नक्षत्र छोड़कर चलेंगे कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण के अंदर। तो ये ट्रांजिट आप सबको कैसा फल देने वाली होंगी, आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में भी। तो आपको मालूम है फ्रेंड्स के जो कोई भी जातक प्रेडिक्शन देख रहे हैं, तुला राशि जो है वो चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण से स्टार्ट होती है। तीसरा, चौथा चित्रा, स्वातिपुरा और विशाखा के तीन चरण ऐसे मिला के तुला राशि बनती है। तो अब नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो कृतिका का जो चरण है, कृतिका नक्षत्र में जो चलने वाले राहु आप प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए कैसा फल देने वाले होंगे। राहु एक नक्षत्र के अंदर 8 महीना और 8 दिन चलते हैं, इस हिसाब से एक चरण के अंदर 2 महीना और 2 दिन चलते हैं। तो कृतिका नक्षत्र में आने वाले जो राहु है, सबसे पहले बात करेंगे चित्रा वाले जातकों के लिए, तुला चित्रा के लिए। तुला चित्रा के लिए राहु जो है ये मित्र तारा के अंदर होंगे। अभी जो चल रहे हैं रोहिणी में वो अति मित्र नक्षत्र है, लेकिन राहु उल्टा चलते हैं तो अति मित्र में से आपके लिए चलेंगे मित्र तारा के अंदर आएंगे। तो ठीक ठीक फल देने वाले हैं, फिर भी ये नक्षत्र जो है ये प्रोडक्टिव नक्षत्र है। इसकी जो योनि है ये शीप है, शीप माने भेड़, हिंदी संस्कृत में इसको मेष बोलते हैं, मेष योनि, मेष माने भेड़, जो बकरियों के साथ रहता है, जो काफ़ी प्रोडक्टिव है। जैसे गाय दूध देती है ऐसे ही एक गाय के जैसे दूध देने वाला है। इसके जो बाल होते हैं उसके बाल से गर्म कपड़े बनते हैं, तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव नक्षत्र है। इसके कारण आपको धन लाभ तो होगा, आपको अपने इन लॉस की ओर से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन काफ़ी तिक्खा नक्षत्र है, ये सूर्य का नक्षत्र है। तो रिलेशनशिप में जो भी जातक विवाहित है, मैरिड है, इनको खास करके अपने इन लॉस के साथ रिलेशनशिप में केयर करना होगा, तुला राशि वाले तमाम जातकों को। तो बात करेंगे स्वाति नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए राहु का फल क्या होगा। सबसे ज़्यादा डेंजर जोन है ये स्वाति वाले जातकों के लिए हैं, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए राहु वध नक्षत्र में चलेंगे आठवें स्थान में, और वध नक्षत्र में राहु का फल ठीक नहीं है, मृत्यु या तो मृत्यु समान कष्ट आपको मिल सकता है। तो जिनका भी जन्म का चंद्र स्वाति है या जिनका भी सूर्य स्वाति है, सूर्य स्वाति वाले ज़्यादा डेंजर जोन में रहेंगे, क्योंकि जो ग्रहों का हमारे ऊपर जो इफेक्ट है वो दो प्रकार से होता है। चंद्र से जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है वो मानसिक होता है, जबकि सूर्य से जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है वो फिजिकल होता है। तो जिनका भी जन्म हुआ है अप्रोक्सीमेटली 24 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में, जिनका भी जन्म का सूर्य स्वाति नक्षत्र में है, ये जातक बराबर ध्यान से सुन ले ये प्रेडिक्शन को। आने वाले 8 महीना और 8 दिन आप डेंजर जोन के अंदर हो। व्हीकल ड्राइव के अंदर आप बहुत केयरफुल रहें, घर के अंदर भी आप चलते हैं तो कहीं गिर ना जाए, फिसल ना जाए, बहुत केयरफुली एब्सेंट माइंड में कोई भी कार्य ना करें, जो कुछ भी आप काम कर रहे हो पूर्ण मन लगा कर करें। तो नक्षत्र शांति के लिए क्या करना है, कृतिका नक्षत्र की शांति के लिए आपको भेड़ को खिलाना है, जो भेड़ जिसको शीप बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको आपको खिलाना है। ये आपके पास अवेलेबल नहीं है आपके आसपास में, तो आप गाय को गुड़ रोटी खिलाइए, गाय की परिक्रमा करें और सूर्य भगवान के दीप में 3 बार दर्शन करें। तुला विशाखा के लिए इसका फल क्या होगा, तुला विशाखा के लिए जो राहु चलने वाले हैं कृतिका नक्षत्र में, ये आपके लिए चलने वाले हैं आपके साधक नक्षत्र में। तो आपके लिए भी ट्रांजिट कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुप्त लाभ करवाने वाली होगी, लेकिन तुला राशि वाले तमाम जातकों को आठवें स्थान में चलते हुए राहु के कारण
पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर, व्हीकल ड्राइव को लेकर, ये सब जगह पे ज़्यादा केयर करना होगा। तो इस प्रेडिक्शन को आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और कौन कौन से डेट्स आपको जो इस मंथ के अंदर तुला राशि वगैरह जातकों को केयर करना है वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले तो आपको डेट केयर करना होगा 5, 6, 7 जिसमें चंद्र चलेंगे कन्या राशि में। तो कन्या के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र के अंदर आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 13, 14, 15 जिसमें चंद्र चलेंगे चौथे स्थान के अंदर, सुख स्थान के अंदर, तो ये ट्रांजिट भी ठीक नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा डेंजर जोन रहेगा 23, 24, 25 जिसमें चंद्र चलेंगे वृषभ राशि में राहु के साथ 8वें स्थान के अंदर, तो ये 13 तारीखों के अंदर भी आपको नदी समंदर तालाब किनारे घूमने जाते हों तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे, व्हीकल ड्राइव में केयर करें, पारिवारिक मामलों में केयर करें। तो इस प्रेडिक्शन को एक लाइक का बटन जरूर बनता है फ्रेंड्स। और तुला राशि वाले जो कोई भी आपके मित्र हैं और ख़ास करके जिनका भी जन्म हुआ है 24 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में, आपकी जानकारी में आपके कोई मित्र हैं तो ये प्रेडिक्शन हम उनको जरूर शेयर करें। नमस्कार।